हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, सो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो भी मेडिकेशंस होती हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फंगल सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल और ह्यूमन भी यूकैरियोट है। तो बहुत टाइम क्या होता है, जो हम मेडिकेशन देते हैं फंगस को किल करने के लिए, वो मोस्टली ह्यूमन सेल के लिए भी टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक इसका जो एंटी फंगल ड्रग जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होती है। कुछ हैं इफेक्टिव एंटी फंगल जिसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, फंगल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं, जिसमें कि स्टेरॉल होता है। ठीक है, एर्गोस्टेरॉल्स को टारगेट करते हैं, या फिर काइटीन होता है उनके सेल वॉल में, होता है काइटीन सिंथेटेज, तो उसको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो होते हैं मेन। अब हम यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं, कुछ एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं लाइक पॉलिक्सिन डी और निकोमाइसिन, ये मोस्टली काइटीन सिंथेज इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, फिर हैं आपके इमिडाजोल, मिकोनाजोल, ठीक है, फिर कीटोकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, ये मोस्टली सुपरफिशियल माइकोसिस के लिए देते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनका जनरल नेम माइकोसिस होता है, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल, सिस्टमिक, सबक्यूटेनियस वगैरह। तो ये जो है ये सारे सुपरफिशियल माइकोसिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं लाइक एथलेट फूड, ओरल एंड वेजाइनल कैंडिडियासिस वगैरह के लिए दिए जाते हैं। तो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसिकली है कि ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को जो है ना ये डिस्टर्ब करता है, और स्टेरॉल सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टोलनाफिटेट, ये जो होता है टॉपिकल यूज़ होता है इसका, और क्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए होता है। गाइस सॉरी फॉर माई प्रोनंसिएशन, तो आप समझ लीजिएगा इसको, डोंट गो फॉर प्रोनंसिएशन एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है निस्टैटिन, जो होता है ये पॉलीन एंटीबायोटिक है, मतलब इसका जो केमिकल नेचर है पॉलीन है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज़ यूज स्पेशली यूज फॉर कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ स्किन, वेजाइना, कैंडिडा के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, ओरल भी होता है, वेजाइनल भी होता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, ये मोस्टली स्टेरॉल से बाइंड करता है और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन फंगल मेम्ब्रेन से लीकेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है, बहुत कॉमन आपने सुना होगा, ग्रीसोफल्विन, जो कि पेनिसिलियम से निकाली जाती है, ये मोस्टली क्रॉनिक डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो माइटोटिक स्पिंडल असेंबली है ना, ये उसको डिस्टर्ब करता है। तो अगर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा, तो ये जो है सेल डिवीजन को ब्लॉक करता है। ठीक है, ग्रीसोफल्विन। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हमने सुपरफिशियल माइकोसिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक माइकोसिस इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से हैं। तो ये है आपका एम्फोटेरिसिन बी, 5 फ्लूसाइटोसिन एंड फ्लूकोनाजोल। ठीक है, ये सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं इनकी, ये भी स्टेरॉल को ही डिस्टर्ब करते हैं, स्टेरॉल से बाइंड करते हैं और मेम्ब्रेन परमिलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये बोल रहा है फ्लूकोनाजोल जो है आपका, ये मोस्टली आपके कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिस और कोक्सीडियोडल मेनिनजाइटिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी आपको जस्ट याद करना है, समझना कुछ नहीं है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। थैंक यू सो मच।